अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हो गया भाई? हैं, हम ऐसी व्लॉगिंग करते हैं, ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने ले लिए हैं गाइस चूज़े। देयर इज़ स्मॉल चूचूस, तीन है ठीक है, और यहाँ पे भी हैं कुछ, और ये रहे चूचू। तकरीबन 9, 10, 12, 13 पता नहीं कितने हैं, मुझे याद नहीं है, असल में बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह से ना, तो गिनती में नहीं आते। देखो नीडो का, इसके अंदर घुट के मर जाते हैं ये बच्चे। अभी गाइस ये पता है कहाँ थे? अभी ये यहाँ पे पानी के अंदर नहा रहे। अबे पानी खुला हुआ, शिट। आई थिंक पानी रिटर्न आ रहा है वापस वहां से। नलका तो बंद है, पानी रिटर्न आ रहा है, देख रहा हूँ पानी वहां से रिटर्न आ रहा है, तो सही करते हैं। पाइप डला अंदर, पानी रिटर्न आ रहा था। चूचू तुम लोगों को पकड़ना है, मैंने गाय इनको पकड़ना है, पता नहीं कैसे पकड़ूं। अरे यार बड़ी मेहनत वाला काम है ये भी ना, पकड़ने वाला। पकड़ते हैं थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिए हैं, ये 8 चूजे हैं ये ठीक है, और बाहर 9 है, वो थोड़ा बड़ा है तो मैंने उसको बाहर ही कर दिया, मतलब लवजे बच्चों को छेड़े ना यार ठीक है। और पानी को ज़्यादा ही फुल नहीं हो गया, थोड़ा सा गिरा दिया, थोड़ा सा और। अरे ये तो अंदर ही चले गया, चलो खैर हो गई, कोई मसला नहीं है। गाइस वो देखो वहाँ का सीन देखो ज़रा क्या है, ये देख रहे हो कैसे पड़े हैं, ये देखो धूप सेक रहे हैं भाई बड़े मजे से है। एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, ये उठ गई, धूप सेक रहे हैं धूप जी। तो ये कुछ हमने ले लिए हैं मैंने, और वो रहा बकरी का बच्चा, और बकरी वहाँ पर अंदर छुपी हुई है कोने में धूप से बच के ठीक है। और हमारे पास कुछ 10-12 मुर्गियाँ भी हैं, 4-5 यहाँ पर हैं, 6-7-8-9-10 हाँ यही हैं, 10-12 तक हैं, तकरीबन 15 तक होंगी, वहाँ पे भी हैं कुछ, यही हमारे पास हैं। और मछलियाँ तो बहुत हैं माशाल्लाह, मछलियाँ तो मेरे को भी शौक चढ़ा था पहले। ओए होए गंजी देख कैसी यार। अच्छा तो गाइस आज है फ्राइडे ठीक है, और मैं क्या बता रहा था, हाँ मछलियाँ ना, वो देखो ये रही, आँखों में चुभ रही है रोशनी। ओके यहाँ पर हैं मछलियाँ, और आप लोग पता ही नज़र आ रही है नहीं आ रही है, मेरी शार्क मरी हुई अंदर, अपनी शार्क मछली छोड़ के मर गई। कल नहीं ज़्यादा ही हो गया टाइम, लॉकडाउन से भी, लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था जब की बात है ठीक है। मैं जाता था लालू खेत जाता था, वहाँ पे मतलब ऐसी ही ना फिश एक्वेरियम शॉप पे, एसके मेरीन एक्वाटिक्स नाम है मुझे याद है, बस ऐसे सीखता था काम ना। मैंने बोला था बस मैं सीखूंगा, ना ही मेरे को पैसे चाहिए, ना ही मेरे को कुछ चाहिए, बस मेरे को सीखना है काम ठीक है, मैं ये बोल के गया था। अपने खर्चे पे जाता था रोज़, 30 रुपये मेरे जाने के होते थे और 30 रुपये मेरे आने के होते थे, कभी कभी आने के 20 रुपये हो जाते थे, बस में आता था ना। कभी कभी ऐसा होता था जोश चढ़ता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, घर कैसे जाऊँ, तो पैदल जाता था।
वहाँ से पैदल रास्ते रास्ते में आते आते ना, अब जाहिर सी बात है कितना किलोमीटर है, बहुत लंबा रास्ता है। तो मैमार से वो लालू खेत इतना लंबा रास्ता है, तो मैं लिफ्ट मांग मांग के जाता था लोगों से। तो अब तो लिफ्ट वाला दौर भी नहीं है, खैर अब तो दौर क्या से क्या हो गया। बड़ी मुश्किलों से गाइस मैंने ना, फिर मैंने काम करता रहा वहाँ पे, एक एक्वेरियम आया था ठीक है, टूटा फूटा था। मेरा आखिरी टाइम आने लगा, मैंने सोचा यार अब मैं छोड़ दूंगा इसी महीने, ना प्लान बनाया था। फिर मैंने क्या किया, एक्वेरियम था टूटा फूटे एक्वेरियम का, मैंने पार्ट्स जमा किया। जब आखिरी दिन था ना, मैंने बाबा को फ़ोन किया, अपने गाड़ी मंगवाई उनसे, मतलब गाड़ी लेकर आए वो, मैंने अपने सारे जो है ना कचरा उसमें डाला गाड़ी में। बाबा फिर मेरे को बातें सुनाने लग गए है ना, कि कचरा कहाँ लेके जा रहे हो, ये वो, गाड़ी में डाल दिया कचरा। उसी कचरे को मैं घर लेकर आया, मैंने समझ लो जैसे ही घर लेकर आया ना, फिर मैं गया स्प्रे की बोतल लेने, सिलिकॉन लेने, तो पता नहीं क्या लेने। पूरी रात बैठ के ना मैंने एक्वेरियम बनाया, नींद ही नहीं आ रही। इसी खुशी में एक्वेरियम बनाना है भाई, इसी टेंशन में खुशी में नींद ही नहीं आ रही। मैंने फिर शुरू किया रात में ही, जज्बाती इतना हूँ मैं, बस क्या कर सकता। पूरी रात में एक्वेरियम बना डाला ठीक है। सुबह हुई, बाबा ने देखा एक्वेरियम और बोला क्या कहते हैं इसको ना, यहाँ पे रखना, यहाँ पे अंदर ना, ऐसे मुझे को जगह बताने लगे ना। तो फिर वो मैंने एक्वेरियम फिर कुछ टाइम के बाद 7,000 तक का बेचा था शायद। बहुत मतलब ना मछलियों के उसमें तो बहुत किया, बहुत काम किया, तजुर्बे किए हैं भाई हज़ारों, दो हज़ार, हज़ारों की तादाद में मछलियाँ रख के ना। एक तो यार मेरे अंदर ये एक तो बुराई है ना, एक बुरी बात मेरे अंदर ये है कि जिस काम में मैं लगता हूँ ना, उस काम में मैं बिल्कुल ही नहीं लग जाता हूँ। मतलब कुछ टाइम करता हूँ फिर शौक पूरा हो गया, कोई भी बिजनेस समझ लो, अभी जो है ये दुकान जो मैंने खोली है, और भी बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से काम जो है अभी बंद हो रहा है ठीक है, ठप हो रहा है काम। बिरयानी का सेटअप डालेंगे, और बिरयानी का तो मैं शौकीन हूँ, और इंशाल्लाह अब मैं खुद ही बनाऊँगा बिरयानी। यस आप लोग तो हैरान हो गए होंगे, बट क्या कर सकते, अब खुद बनाऊँगा बिरयानी। सीख रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियोस, कुत्ते की तरह देख रहा हूँ बस। कभी तो सीख जाऊँगा, ये रही हमारे पास देख, इसी में बनाएंगे बस। अच्छा गाइस, उस्मान जो है आ चुके हैं, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, और ये देखो ये बैठा हुआ। हाँ यार, ये ना व्लॉगर्स की ये बात ही मुझे बुरी लगती है। क्या? जब बंदा बात बोल दे फिर भी कैमरा उठा के बोलेंगे दोबारा बोलो बात। जाहिर सी बात है दोबारा बोलो, जब व्लॉग बंद है जब क्यों बोल रहे हो, जब क्यों बोल रहे हो? भाई ये बोल रहा था कि 10 तकरीबन मैं सुबह जुम्मा से आया हूँ, 8 बजे का घर पे मरा पड़ा था। 9 बजे मैं उठ चुका था, 8 बजे मैं सोच रहा था क्या करूँ, शाविस को बुलाता हूँ, शाविस को बोलूँगा व्लॉगिंग करते हुए नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फुल पेट भर के होटल जाएंगे, हलवा पूरी नाश्ता करने के रहा था, हलवा पूरी करेंगे सही है, उसके बाद चाय पियेंगे होटल, 2-3 घंटे गुजारेंगे, नमाज पढ़ के घर का ब्लॉग खत्म, दुकान और घर, 8 बजे दुकान और घर नहीं, 8 बजे ब्लॉग शुरू करके अपना 1:30 बजे तक ब्लॉग खत्म करके एडिट करके डाल दे ब्लॉग, दलिया ब्लॉग, जो मेगा ब्लॉग सीन। अभी का क्या सीन है, अभी जो ब्लॉग बना रहा हूँ सुबह से बना रहा हूँ मैं, तकरीबन मेरे को 2-3 घंटे हो गए ब्लॉग बनाते 2 घंटे हो गए ठीक है। चूजे पकड़ रहा था बाहर। चमन होते हैं लोग, माय फर्स्ट ड्राइविंग टेस्ट, अब लोग समझेंगे असली में ड्राइव कर रहा होगा। आप देख ये कुत्ते का बच्चा किस पे ड्राइविंग कर रहा है। कंप्यूटर पे कर रहा है डैश का बच्चा। ना देखी तूने नई वाली? अबे आवाज बहुत बुरी आई यार मेरी नई वाली। हाँ जो मैंने रिकॉर्ड करी कल रात में कर रहा था रिकॉर्ड, बहुत बुरी आवाज आई यार अबे मेरी। हाय दोस्तों, ऑफ टॉपिक
मेरा ऐड आ रहे भाई ऑक्टा इफेक्ट इफेक्ट सॉरी कर दो स्किप स्टॉप कर इसको। मैंने ना कोई भी मैंने कानों में कुछ नहीं लगाया हुआ था पता है, मत जो याद तब मैं पढ़ रहा था। बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का तूने तरस इसके ना मैच नहीं कर रहा, इसके तरस ना बहुत आउट जा रहे थे, तरस खुद चेक करता है। वही सरदार आलम है खुदा के बाद जो मर्तबा सल्ले अला का है वही सरदार। आप वीडियो खोलो वाली वही खोलो ये सही है, इसके पहले दोबारा देख। खुदा के बाद जो मरता ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं समझा। ये छोड़ अब ये वाली चेक कर, तू तूने पहले डाली थी नीचे वाली। अरे यार से तो मेरी आवाज काट देना। इसमें अच्छी है बीट है ना पीछे, इसमें ज्यादा अच्छी है तेरी आवाज, मेरी आवाज अच्छी नहीं है इसमें। तुमने सुन ली तेरी वाली, अभी तू रुक जा, अभी तू रुक जा, कर पीछे कर, पीछे कर और पीछे कर, पीछे कर। ऐसा लग रहा तेरी आवाज को ना एलियन एलियन मोड पे डाल दिया हो, एलियन वाली वॉइस पे ना। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار। अब देखो अब तुम देखो जैसे तुमने अजीज यहाँ पे तुमने तोड़ी है ना भी सांस, अब देखो एक साथ तोड़नी है सांस और एक साथ ही लेनी है सांस, समझ रहे हो? ऐसे नहीं करना, उसको छोड़ दो ठीक है, उसको छोड़ दो, क्या आ रहा है उसमें मोबाइल को छोड़ दो, कुछ भी कानों में हैंड फ्री वगैरह डालने की जरूरत नहीं। आप याद करो अपना तर्ज बना के पढ़ो सही, भले थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा कोई मसला नहीं है ना, इसका फर्ज भी नहीं है कोई बीट डालना इसमें। एक तो पहली बात ये नाजायज है, जायज नहीं है बीट डालना। मजाक सेट के पता नहीं क्या यार, नमाज पढ़ने के लिए वो एक चीज हलाल है लेकिन उसमें ना वो क्या होती यार जो पहले बचता है ना पीछे बैकग्राउंड, याद नहीं आ रहा मुझे। एक क्या रिकॉर्ड करेंगे फिर नेक्स्ट,
रमजान तक का तेरे से वेट नहीं हो रहा क्या? सही। कितना रोएगा रे, तेरे तेरे गाल जो है ना, ऐसा दिल चाहता है चवाण मारने, तेरा दिल चाहता है पता नहीं क्यों। अच्छा जी, तो गाइज अब जो है मेरे ख्याल से मुझे एंड कर देना चाहिए व्लॉग का, फटाफट इसको ना एडिट करके अपलोड कर दूँ ना, ऐसा ना हो फ्राइडे व्लॉग सैटरडे को अपलोड हो रहा हूँ, फ्राइडे को ही हो जाए ना मेरे डियर। चलो गाइज फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।